नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा विवाह में बंधन योग कि विवाह की उम्र हो जाती है और विवाह का रिश्ता लगन क्यों नहीं बनता, क्यों बार बार अड़चन आती है। तो उसका एक छोटा सा कारण मात्र ये भी हो सकता है, जन्म कुंडली में हम गृहस्थ जीवन के लिए शादी के लिए सप्तम भाव देखते हैं, लगन से सीधा सातवां खाना। सप्तम भाव में अगर राहु ग्रह क्रूर ग्रह ये बैठा हो तो विवाह होने में बाधा बनती है, और अगर यही राहु लगन में बैठा हो तो इसकी सीधी सप्तम पे दृष्टि पड़ती है। सात कदम दूर 1 2 3 4 5 6 7 ये भी कष्टकारी है। लेकिन आज जो योग बता रहा हूं उसको बोलते हैं ग्रहण योग। राहु के साथ अगर सूर्य हो, यानी सूर्य प्लस राहु दो ग्रह इकट्ठे बैठे हों, ये सप्तम भाव में बैठे हों, तो ग्रहण दोष बनाते हैं जो विवाह होने में अड़चन देते हैं। और यही अगर राहु और सूर्य लग्न में बैठे हों तो भी अड़चन पैदा करते हैं, इसको ग्रहण दोष बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में इन प्रथम भाव और सप्तम भाव के अलावा कहीं पर भी सूर्य प्लस राहु बैठा है तो ग्रहण दोष तो बनेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि विवाह में बाधा दे। ज्यादातर विवाह में बाधा लगन और सप्तम में बैठने से देते हैं। अब आपका सूर्य और राहु कौन से भाव में बैठे हैं वो कुंडली पे आपकी जन्म डेट पे निर्भर करते हैं, और उसका क्या प्रभाव है, किस चीज में वो नुकसान देंगे वो कुंडली में देखने से पता चलेगा। तो सिर्फ आज का हमारा जो विचार था कि आपकी कुंडली में कहीं विवाह में ये बंधन योग तो नहीं बना हुआ कि सूर्य प्लस राहु लगन या सप्तम भाव में तो नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो इसका एक छोटा सा उपाय है कि सूर्य ग्रहण के समय माणिक रत्न, रूबी रत्न जिसे बोलते हैं, उसका दान कीजिए, और तांबे के 11 टुकड़े या तांबे के 11 सिक्के आप तालाब में खड़े पानी में डालिए, ये आपको ग्रहण के समय करना है। और 1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़ आपको ग्रहण के समय भिक्षुकों को दान करना है। ये छोटे छोटे कुछ उपाय कीजिए, आपके जो विवाह का बंधन योग है वो दूर हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण के समय ही करना है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्लस राहु बैठा है तो सूर्य के समय ग्रहण के समय उपाय कीजिए। अगर आपकी कुंडली में यही योग चंद्रमा के साथ है, केतु प्लस चंद्रमा है या राहु प्लस चंद्रमा है, तो भी आप चंद्रमा को उपाय कर सकते हैं, तो भी विवाह में बाधा आती है। अगली वीडियो में बताएंगे कि विवाह किस आयु में होगा और कैसा होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कुछ भी पूछना कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। धन्यवाद। जय माता दी।